नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडूर, आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और आज हम मौजूद है सफीदों के गांव रत्ताखेड़ा में, और गांव रत्ताखेड़ा में सफीदों के पीजी कॉलेज के छात्र और छात्राओं के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है। नित नए दिन सड़क के जो हादसे हैं, दुर्घटनाएं हैं, वो होती रहती हैं और लगातार दुर्घटनाएं बढ़ती रहती हैं। ये हमारी लापरवाही के कारण है। आज के जो वो युवा हैं वो बहुत ज्यादा स्पीड में व्हीकल चलाते हैं, और जो हेलमेट है वो हेलमेट लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं समझते हैं। इस कारण आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए पीजी कॉलेज के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया गया है। ये जो अभियान है ये सफीदों से शुरू हुआ और अब गांव रत्ताखेड़ा में पहुंच गया है। कॉलेज की जो प्रिंसिपल है नताशा हुड्डा, उनके द्वारा पूरी टीम को हरी झंडी दी गई। उसके बाद सफीदों से पूरी टीम रवाना हुई और गांव रत्ताखेड़ा में गलियों गलियों से निकलकर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। छात्र और छात्राओं के द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। ये जो छात्र और छात्राएं हैं ये एनसीसी और एनएसएस के छात्र छात्राएं हैं, इनके साथ इनके टीचर्स भी मौजूद हैं। सड़क सुरक्षा के नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सड़क जो दुर्घटनाएं हैं उनसे बचने के लिए हेलमेट पहनने के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें गांव रत्ताखेड़ा से। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के छात्र और छात्राएं सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर सड़क जो सुरक्षा के नियम हैं उनको पालन करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये अभियान गांव की गली गलियों से होकर निकल रहा है, और जो कॉलेज के छात्र हैं एनसीसी और एनएसएस के, उनके साथ उनके अध्यापक और प्राध्यापिकाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें गांव रत्ताखेड़ा से। सर नमस्ते। मैडम नमस्कार। सर आज जो सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है इसमें कौन कौन से छात्र छात्राएं मौजूद हैं? इसमें हमारे एनसीसी कैडेट्स हैं और एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, और भी जो क्लब होते हैं कॉलेज में, रेड क्रॉस, रेड रिबन, तो उन सभी बच्चे इसमें शामिल हैं। ये सुरक्षा अभियान चलाने का किस प्रकार आप लोगों ने सोचा, कहाँ से ये सोच आई? ये अभी पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चला हुआ है और हरियाणा सरकार उसमें बहुत अग्रसर भूमिका निभा रही है, और ये सभी कॉलेजेस और विद्यालयों के द्वारा चलाया जाएगा। तो हमने रत्ताखेड़ा गांव का चयन किया था, और पूरे गांव में हम पंपलेट बांटेंगे और रैली निकालेंगे और घर घर जाकर लोगों को हम जागरूक करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपके कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा जो जागरूक अभियान चलाया गया है, क्या लगता है कितने लोग इससे जागरूक होंगे? आए नित नए दिन नई नई सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, क्या लोगों पर इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है? हमने कोशिश तो ये की है कि इस जो रैली निकाली जा रही है इससे जितना हो सके हम अवेयरनेस है जो हमारे गाँव के जो व्यक्ति हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा उनको जागरूक किया जाए, और जो हमारे नियम हैं ट्रांसपोर्ट के उनको वो फॉलो करे। तो कोशिश है, घर घर हम पैम्पलेट्स दे रहे हैं, इसी वजह से दे रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो इस चीज के। जी नमस्कार सर। सर जो जागरूक अभियान आज चलाया गया है ये किस समय शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से होकर ये रैली निकलने वाली है? ये सर क्या हुआ, ये जो सुरक्षा अभियान है ये हमारा हरियाणा सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 2021 में 1.5 लाख मौतें जो हुई थी वो सड़क सुरक्षा दुर्घटनाओं की वजह से हुई थी। जी जी। और जो कि 2021 के आंकड़े थे वो बहुत चौंकाने वाले थे, क्योंकि पिछले जो सालों से दर ज्यादा हो गई थी। तो इसको रोकने के लिए हरियाणा सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। इसकी ये जो रैली स्टार्ट हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज सफीदों से लेके रत्ताखेड़ा गांव तक आई है। सर पिछले 2 महीनों में सफीदों में भी सड़क हादसे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या कारण मानते हैं आप, उनका क्या कारण है? सर इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम उनके नियमों का पालन नहीं करते। हम गाड़ी ढंग से चला लेते हैं, अगर सामने वाला जो है वो नियमों का पालन नहीं करेगा तो वो दूसरे अपनी जान के साथ साथ दूसरे की जान को भी खतरा दिल ले रहा है। तो हमें हमारा मेन मकसद यही है कि हम लोगों को जागरूक कर सके कि आप सभी को इन नियमों का पालन करना है, जिससे आप अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरे की जिंदगी भी बचा सके, दूसरे की जिंदगी का खिलवाड़ ना कर सके। धन्यवाद सर। नमस्कार मैम। मैम आजकल ना ही सिर्फ पुरुष और ना ही सिर्फ युवा बल्कि महिलाएं और लड़कियां भी ड्राइविंग करती हैं, और वो भी दुपट्टे बांध कर ड्राइविंग करती हैं, हेलमेट बहुत कम यूज करती हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम यही संदेश देना चाहेंगे उनको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि आप, ये अच्छी बात है, महिला सशक्तिकरण दिवस भी हम मनाते हैं। तो हम जब महिलाएं ये सारी चीजें हम व्हीकल्स यूज करते हैं तो हमें ड्राइविंग के नियमों का भी पालन उसी तरीके से करना चाहिए। हेलमेट पहनना चाहिए प्रॉपर, दुपट्टा बांधे लेकिन उसके ऊपर हेलमेट भी हमें जरूर पहनना चाहिए, और फोर व्हीलर्स ड्राइव करते हैं हमें सीट बेल्ट प्रॉपरली यूज करनी चाहिए।
आप गली गलियों से होकर ये रैली निकाल रहे हैं, कितनी महिलाओं से अभी तक आप इंटरेक्ट कर चुकी हैं, क्या उनको ये सड़क सुरक्षा नियम समझ में आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं, हमारे यूथ हैं जो हमारे आप देख रहे हैं कॉलेज के बच्चे हैं, इनमें भी गर्ल्स हैं और बॉयज भी हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं, एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी कैडेट्स हैं और इनमें लड़कियां भी काफी मात्रा में हैं। तो घर घर में जाके जो महिलाएं हैं, सारी महिलाओं से मिलकर इन्होंने बात की है, घर में हर औरत से इन्होंने बात की है, प्रॉपरली उनको समझाया है कि आपको किस तरीके से सुरक्षा नियमों का पालन करना है। तो एनसीसी और एनएसएस के कैंडिडेट्स यहाँ पर मौजूद हैं और एनसीसी की जो महिला टीम की मनीषा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है लाइव तस्वीरों में, सफीदो पीजी कॉलेज से एनसीसी टीम की हेड है आप। नमस्कार मनीषा, आज आपके द्वारा जो सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, मेन फोकस किस किस नियमों पर किया गया है और जो लोगों से आप इंटरेक्ट कर रही हैं, क्या उन तक मैसेज पहुंच भी रहा है? हाँ जी बिल्कुल पहुंच रहे हैं, हमने आज इसी पे रैली निकाल लिया ताकि लोग जागरूक हो सके। आजकल सड़क में बहुत ज्यादा दुर्घटना हो रही है, हर घंटे में 18 मौत होती है और दिन में 426 मौत होते, बहुत ज्यादा हमने इसका नुकसान है। तो हम इसी को जागरूक करने के लिए इस दौर को हमने सोचा है अपनाएं, लोग अपने जीवन में अपनाएं इसको, इससे लोगों की जान बच सकती है हेलमेट से, हेलमेट वगैरह वाहन नहीं चलाना चाहिए। क्या नारा आज आपके कॉलेज की टीम के द्वारा दिया गया? सड़क सुरक्षा का पूर्ण ज्ञान देता हम सबको जीवन दान। जी जी, सड़क सुरक्षा अभियान में स्पिदो कॉलेज मैदान में कुछ महिलाएं गलियों में खड़ी दिख रही हैं, क्या वो लोग आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे अलग से कैडेट लगे हैं जो इनको पंपलेट वगैरह बांट रहे हैं और समझा रहे हैं, साथ में जागरूक कर रहे हैं। तो हमने यही चाहना है कि आज हमने मतलब इस गांव में कम से कम अपनाएंगे इसको। जी जी, हमें पूरी इच्छा है कि लोग इसको समझ जाए। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ मौजूद थी एनसीसी कैंडिडेट्स के जो हेड हैं पीजी कॉलेज से मनीषा, इनके द्वारा आज जागरूक अभियान चलाया गया है और गांव की गलियों गलियों से होकर ये रैली निकल रही है। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है आपका? दीपक मैम। हाँ, स्पिदो कॉलेज से आए हैं, जो स्पिदो कॉलेज शहर से होकर रत्ताखेड़ा गांव में आया। हम सड़क सुरक्षा के बारे में सभी को जागरूक करने आए हैं, सड़क सुरक्षा के बारे में कि आज पता ही है कितने वर्तमान में कितने मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, कितनी मौतें हो रही हैं क्योंकि वे नियमों का पालन ही नहीं करते, नहीं वो ट्रैफिक पुलिस से मतलब डरते। वैसे हम इस जागरूक करने आए हैं लोगों को, जैसे कि चुके महिला खड़ी है ना, बिल्कुल ये हमें ऐसे देख रही है कि भाई क्या करने आई, हम इनको यही मतलब जागरूक करने आए हैं कि सड़क सुरक्षा के नियमों के अनुसार हम घर घर पर्चे बांट रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और कॉलेज के द्वारा मेरे से नारा दिया गया है कि सड़क सुरक्षा अभियान में स्पिदो कॉलेज मैदान में, क्योंकि स्पिदो कॉलेज के बच्चे हैं सभी और मतलब ये सड़क सुरक्षा के बारे में सभी को जागरूक करने आया। थैंक यू मैम। एनसीसी और एनएसएस हमेशा सफाई के कैंप लगाता रहता है, तो आज ये जो अभियान चलाया गया है ये सोच कहाँ से जागी? मैम सफाई एनसीसी और एनएसएस हर फील्ड में आगे है, मतलब कैंप लगाते हैं, मतलब कैंप की दिनचर्या इतनी कठोर होती है कि सुबह मतलब 5 बजे नहाना, योगा अभ्यास, गीता पाठ, अल्पहार, श्रमदान नहीं होता इसमें, केवल 1 घंटा श्रमदान का होता है, हमें कॉन्फिडेंस होता है मतलब स्टेज पर कैसे बोलना है सिखाया जाता है, सुबह से शाम 10 बजे तक हमें मतलब सारी दिनचर्या कठोर होती है, उसमें हर प्रक्रिया से निकाला जाता है और हमें ही सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे घर वालों के साथ व्यवहार करना, कैसे बोलना है, कैसे मतलब स्टेज पर मंच संचालन करना, जैसे मंच पर कैसे बोलते हैं, कितना कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, अतिथि मेहमान आएंगे तो उनके साथ कैसे बोलना है, कैसे उनका स्वागत करना है, कैसे उनको मतलब खाना वगैरह परोसना है, हर चीज सिखाई जाती है, हर फील्ड में आगे एनसीसी और एनएसएस। ये जो अभियान है ये कब तक चलने वाला है? ये मैम अभियान सुबह 9 बजे से स्टार्ट होया था जो सड़क सुरक्षा रत्ताखेड़ा गांव में, और ये लगभग 12-1 बजे तक, जहाँ तक मतलब गलियां कंप्लीट होएंगी ना तब तक चलेगा। मैं धन्यवाद। सफीदो एनसीसी और एनएसएस जो टीम है उनके द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है। ये अभियान 9 बजे शुरू हुआ था और कॉलेज में प्रिंसिपल लताशा हुड्डा ने इनको हरी झंडी देकर ये सड़क अभियान चलाया था। Let's go!
अभी आप देख रहे थे लाइव तस्वीरें, गांव रत्ताखेड़ा से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है एनसीसी और एनएसएस के कैंडिडेट्स के द्वारा सफेद ओपीजी कॉलेज से। ये जो रैली है, सड़क सुरक्षा अभियान है, सुबह 9 बजे ये रैली कॉलेज से निकली, प्रिंसिपल नताशा हुड्डा ने हरी झंडी दी, उसके बाद सफेदों से होकर ये रत्ताखेड़ा में ये रैली आई और सब युवाओं को और गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए एक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है जिसमें लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। और हमारे साथ गांव हाट से मौजूद है राजेश बुरा जो कि समाज सेवी भी है, हमेशा ही सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं, उनसे बात करेंगे कि ये जो सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है इसको वो किस नजर से देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार कुंडू साहब, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को आपके माध्यम से नमस्कार करना चाहता हूँ और उसके बाद इस टीम के संचालक जो संयोजक हैं श्री देवेंद्र शास्त्री जी, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि जो समय समय पर गांव-गांव जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम करवाते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं और छात्रों में एक समाज सेवा की जो भावना पैदा करते हैं वो भी एक मतलब कहें तो बधाई के पात्र हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार से हर समय ये कार्यक्रम होने चाहिए और लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। धन्यवाद इसके लिए। सर, गांव में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं भी ड्राइविंग करती हैं पर दुपट्टा ओढ़कर करती हैं, हेलमेट नहीं लगाती हैं, तो क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है गांव के लोगों पर? देखो, इफेक्ट तो पड़ता है, कोई भी इवेंट क्रिएट करते हैं उसका कुछ न कुछ तो इफेक्ट होता ही है। और जैसे बार बार हर गाँव में जाएंगे लोग देखेंगे तो इसका तो देखो प्रभाव तो लाजमी है पड़ना। जी जी, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है सफेदो कॉलेज द्वारा और हरियाणा सरकार द्वारा, हर एक कॉलेज में एनसीसी और एनएसएस के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये ऑर्डर दिया गया है कि आप गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करें, ऐसे अभियान चलाएं जिससे कि लोग सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं उनका पालन करें। और नित नए दिन दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं, वो इसी वजह से होती हैं कि हम सड़क सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो इनके द्वारा आज हेलमेट पहनने के लिए और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए ये जागरूक अभियान चलाया गया है। तो इसमें आप लोगों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारा हिस्सा मतलब कि हम नियमों का पालन करें, जब हम नियमों का पालन करेंगे तो हम खुद भी सुरक्षित रहेंगे और जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको भी सुरक्षित रख पाएंगे। तो सड़क सुरक्षा जो नियम है उनका पालन करना सबके लिए बहुत ही अनिवार्य है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो और औरों तक भी जागरूकता फैलाएं। देखते रहे सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।